गर्मी बड़ी हो रही है आजकल, तो व्लॉग शुरू करने से पहले बता देता हूँ बहुत तगड़ी खबर आई है। थार जा रही है, बड़ी कैडी लग रही है, मेरा मन कर रहा है लेने का थार, तो पर पैसे क्यों नहीं, पैसे भी आएंगे एक दिन, थार भी लेंगे। थार क्या, थार की, थार के बाय खाईवा ले लूँ मैं, है ना, मैं उस पर लिखवा दूँ मौसम 51 बड़े बड़े अक्षरों में, और रोड पे एसी वैसी लगवागा, तगड़ सेट बन जाएगा, टर्बो पर तगड़े से गिरवाऊंगा, पिकअप विकअप कैडा ही लगाएगा, हाईवे पे मॉडिफिकेशन करवा हाईवे की, मतलब काजी का डर तो लगेगा ना, बस ऐसा डर लगेगा हाईवे में गिर गया वो तो बात अलग है, नहीं तो रोड चलते डर, डर नाम की चीज़ ना, खुद ही डर है कि पब्लिक जो साइड में हो जाएगा रहेगा भैया आती आ रहा हूँ आती, मैं सब रह जाएंगे, डिफेंडर विफेंडर हाईवा ले लेते हैं, खैर हाईवा तो ये लेंगे, हाईवा भी लेंगे, ऐसा भैया गाड़ी चल रही है, एक आगे चल रही है तगड़ी सी गाड़ी, एक पीछे चल रही है, बीच में हाईवा चल रहा हूँ, कितने अलग ही, कहीं जा रहे हैं टूर पर तो हाईवा में रसन भर ली भैया, बोरी भर ली, दान कर दी 4-5 बोरी गेहूँ की रास्ता में गरीबों ने, और काम तगड़े तगड़े करने, बहुत तगड़े तगड़े काम करने, बहुत बड़ा बड़ा पुण्य कमाना अभी तो भाई, एक ही बिजार जा रहा बगल में, कैसे दिखाऊं कैमरे तो इस तरह पे। हाँ तो क्या कह रहा था भाई, मैं कह रहा था वो एक तगड़ा बहुत तगड़ा इवेंट करवाने वाले हैं, जल्दी अपडेट जल्दी मिल जाएगी नेक्स्ट ब्लॉग में, अपडेट इवेंट में कौन आ रहा, कौन सेलिब्रिटी, किस सेलिब्रिटी बुला रहे हैं, और कहाँ होगा इवेंट होगा फरीदाबाद में, कब होगा, डेट आई आने वाली है फाइनल, और कौन सेलिब्रिटी आएगी उसका भी फाइनल बता दूंगा, जल्दी बताऊंगा, बहुत तगड़ी सरप्राइज आने वाला है, तो तुमने क्या होगा भाई साहब, ऐसा इवेंट नहीं करवाया किसी ने आज तक, तगड़ा ये सिस्टम बना देना, सिस्टम नहीं माहौल बना देना, माहौल भाई सिस्टम तो भाई गुड़गांव वाले ने बना रखा, हम माहौल बना देंगे, माहौल जहां माहौल बन जाता है वहां सिस्टम खुद ही बन जाता है, समझ गए ना, अभी तो माहौल बनाने जा रहे हैं, चलो मिलते हैं जल्दी। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, क्या बताओ, तुम्हें कुछ पता ही ना होगी इस बारे में, फिर पता तो होगी क्योंकि इंडिया के अंदर एक से एक ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, लड़की में भी वो चीज रहती है, लड़के में भी वो चीज रहती है, लड़का उसका यूज करता है पर लड़की उसका यूज नहीं करती, बताओ यार क्या चीज हो सकती हो? है वो जल्दी बताओ यार, कमेंट बॉक्स में जल्दी बता दो, और इस वीडियो इस व्लॉग में मुझे कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए भाई, देखो आपके ही सपोर्ट से और आपके ही प्यार से हम जितना हो सके उतना, मतलब एक अलग लेवल का, मैं अलग से हिसाब से सोच रहा हूँ कि अलग अलग ही बनाना है, मतलब कि अपने ऊपर नहीं खर्च करना है 1 रुपया भी, करना दूसरे के ऊपर भी है, आपके अपने यार दोस्तों के ऊपर, जो मेरे पहचाने वाले हैं उनकी कमी दूर, उनके दुख दर्द में उनके भी साथ आना, बस मुझे 10,000 फॉलोवर कर दो इस वीडियो के थ्रू। अभी दोस्त मैं आ गया हूँ, कुछ भूख लग रही थी तो भाई अपने मार्केट में आ गए, कुछ हल्का फुल्का शाम को टाइम है, टाइम हो रहा है लगभग 7:01 हो रही है, तोस आ गए भैया, तोस पे तोस, भैया एक लगा दे, क्या लगाएगा, टिक्का है, मशरूम टिक्का, चाप भी है, अफगानी मलाई बढ़िया वाली चाप लगा दे, ग्रेवी वाली, एक मलाई चाप लगा दे, स्नैक्स में ही ना, हाँ स्नैक्स में, और किस में, मतलब नहीं ग्रेवी में कह रहे थे, नहीं ग्रेवी में नहीं, उसको स्नैक्स वाली जो मलाई वाली, हाँ मतलब जो तो मलाई वाली होती है वही, ठीक है खाएंगे, हाँ अभी खाएंगे गाड़ी में भिजवा देना, जल्दी आ जाओ बॉस, ये अपने दोस्त
मेरे साथ ही है। देखो ये ना जो तोस है तोस, इसकी मैं फ्री में वो कर देता हूँ। और ये साइड में वीर जी मलाई चापले बहुत सारे हैं, ये बहुत पहले खुले हुए थे पर इस पर इतनी भीड़ रहती है इन पे बहुत ज्यादा है। कौन बेटो फोन बाजार बेफल तुम। अरे जो टॉम्स है ना ये भी खुला, इसका टेस्ट इसका रेट उसका रेट बता देता हूँ। 200 रुपए की एक प्लेट देता और ये 180 की प्लेट देता, पर इतने बेस्ट इसकी चाप लगी मुझे तो बहुत बढ़िया। तो भाई कभी आओ तो फरीदाबाद में कौन सेक्टर पड़ता है, सेक्टर तो मुझे पता ही ना है कौन सेक्टर में पड़ेगा ये। पूरी मार्केट में फूड की मार्केट है, मतलब है ना इस मार्केट में कंपटीशन इतना, सारे रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट है। ये पीजे 99 है, उससे अगला वीर जी है, उससे अगला श्री जी रेस्टोरेंट है, उसके अगला दिल दोटा मोदी बिल्टेक। हाँ मार्केट ये मतलब मोदी बिल्टेक का वो डाले ना, बिल्डरों के ऑफिस भी हैं। कभी आओ तो यहाँ पे फरीदाबाद के अंदर इस मार्केट में सेक्टर 85 यहाँ के सेक्टर 85 सेक्टर। हाँ देखो मैं इसकी स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, यू एड्रेस है भैया इसका, बीपीटीपी पार्क स्ट्रीट, टाइमिंग 1 PM ये रहा, शॉप नंबर बीपीटीपी 11 है और स्ट्रीट 85 फरीदाबाद। ठीक है तो ट्राई जरूर करके जाना मेरे कहने से। अगला दिन गर्मी बहुत हो रही है, लस्सी मंगा दी है, दही की बढ़िया चीज़ है, पी रहे हैं कौन आग भी छे। हाँ एक 30 वाला बना दियो। ये गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, अब जाना पड़ेगा कहीं 2-4 दिन को घूमने के लिए, पर फ़ायदा ये है कि 2-4 दिन को वहाँ तो चैन से रह लेंगे, पर फिर दोबारा इसी गर्मी में फरीदाबाद की गर्मी में आना है। देख लो कितनी गर्मी है, दिख रहा होगा बना रहा भैया अपनी लस्सी। गाइस फरीदाबाद ही फरीदाबाद आ रहा है, आप दिल्ली हो गया, इतना जाम इतना ट्रैफिक, जगह जगह रेड बत्ती, क्या होगा कहाँ जाएगी दुनिया, जगह जगह कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स, मतलब केड़ा। हाँ पहले हम ठीक है, जब फरीदाबाद जाएगा रहे ना तो लग रहा बड़े खुशी होगी रही भाई फरीदाबाद जा रहे हैं आज तो। अब तो जहाँ हम रहते हैं वहीं वही एरिया सेक्टर में आ गया, अब तो मतलब समझ लो जूस पीने भी कभी कभार मार्केट जाएगा फरीदाबाद, हमें घर से पहले नेट पड़ता था 12 किलोमीटर, पहले इतनी वाहन वाहन इतनी उतना था जो भी सिंगल एक दो ही रोड थे, तो ऐसा लगता था भाई फरीदाबाद जा रहे तो गप्पू छक रहे आज फरीदाबाद गए क्या क्या करने गए क्या कर लाए क्या क्या करा, एक वो रहता था शहर शहर में गए हैं, अब तो गांव ही शहर हो गए हैं, कोई पूछता ही नहीं है क्योंकि गांव से 10 कदम पे तो रेस्टोरेंट हॉस्पिटल सब कुछ बाईपास मास्टर रोड सब कुछ निकल गए। पहले गांव में कि देखो गाड़ी होगी भी ना अभी होगी, अब तो हर घर में तो गाड़ी हर घर में, 3 भाई हैं भाई तीन पे गाड़ी होगी एक एक, क्योंकि सब में ईगो भी तो बहुत ज़्यादा आ गया सब में भाई, उस पर गाड़ी तो मैं भी लूँगा वो अपनी गाड़ी में दिखाएगा। वैसे आज के टाइम में बेकार है यार ट्रैफिक, जिसका एक देश है शायद ऑस्ट्रेलिया की बात, हाँ ऑस्ट्रेलिया ही है जन, हाँ तो ऑस्ट्रेलिया में ना फ्री बस चलती हैं, मतलब पब्लिक की जो ट्रांसपोर्ट के लिए फ्री बसें वे रखी, क्यों अगर वो फ्री ट्रांसपोर्ट ना देंगे तो उन्हें सड़कें भी बनानी पड़ेंगी और पब्लिक सब अपनी अपनी गाड़ी लेंगी, और ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी तो ट्रैफिक ज़्यादा होगा, और ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो ट्रैफिक चलाने के लिए रोड भी ज़्यादा चौड़े चाहिए, और वहाँ जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है जो इमारतें हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर वहाँ की सरकार उनको तोड़ना नहीं चाहती, तो इस कारण जहाँ एक गाड़ी 2 आदमियों को घिरने में 10x12 का एरिया घेरती है, वहीं एक बस
10x12 के एरिया में कम से कम 15 आदमियों को लेके जाती है, तो है ना सोचने वाली बात दिमाग के अंदर भाई, बहुत एडवांस है वो। नर्स की ले लो, नर्स ऑस्ट्रेलिया में जाएंगी भाई साहब, जहाँ नर्स की सैलरी होगी मैक्सिमम मान लो आप 25-30 हज़ार मान लो महीने की, वहाँ एक दिन की घंटों के हिसाब से सैलरी मिलती है, वहाँ घंटों एक दो घंटे काम करा कई हजार डॉलर, $300, $400 ऐसा केस, मतलब कि कुल मिला के अगर वहाँ नर्स की अगर कोई जॉब वॉब लग जाए किसी की तो महीने का कम से कम बता रहा हूँ भाई अपने आइडिया से 3-4 लाख रुपये नर्स कमाती है वहाँ पे, इंडिया करेंसी के अंदर देख लो नर्सों का कितना स्कोप है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है क्षेत्र उसमें भी एरिया वाइज भी, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया की जो आबादी है ना कम से कम वही 3 करोड़ के आसपास है जितनी हमारी दिल्ली की आबादी है, हमारी दिल्ली इतनी सी ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा, मतलब और दिल्ली के अंदर ही 3 करोड़ की आबादी है, अब ये समझ लो और ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 करोड़। ऑस्ट्रेलिया वाले लोग तो ये चाह रहे हैं कि बाहर के लोग हमारे देश में आके बसें और विकसित करें और ज़्यादा डेवलप करें, बहुत अच्छा देश है ऑस्ट्रेलिया, मेरे जानकार हैं रिश्तेदार भी हैं वहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बताते रहते हैं भाई ऐसा सीन है यहाँ, तो हमने चलो भाई अच्छी बात है बहुत बढ़िया बात है,